हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किए हैं, यूट्यूब पर भी लोगों ने लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि ऋषभ पंत के साथ आपकी क्या बात हुई, जो 2-3 बार आप ऋषभ पंत के साथ मिले हैं, जिसके वीडियोज उन्होंने दूसरे चैनल्स पर भी देखे, दूसरे यूट्यूबर्स ने भी उसको डाला हुआ था, उनको जो दूसरे जर्नलिस्ट ने उन्होंने भी डाला हुआ था और फोटोग्राफ भी मैंने उनकी पोस्ट किए थे। तो उन्होंने पूछा कि ऋषभ पंत के साथ क्या बातचीत आपकी हो रही है और क्या है ऋषभ से आपकी बातचीत का सीन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं, वीडियो जो मेरा वायरल हो रहा है वीडियो उसको सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। जो आपने ये वीडियो देखा, इससे पहले एक्चुअल में जब ऋषभ पंत प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे तब उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला हेलो भैया क्या है कैसा चल रहा है ये वो, तो मैंने कहा ऑल द बेस्ट। मैंने उनको कहा कि आप सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ऑल द बेस्ट। तो फिर उसके बाद ऋषभ पंत प्रैक्टिस में चले गए थे। तो जब वो वापस आए, ये दूसरा वीडियो है, जब वो वापस आए उसके बाद मैंने उनसे बातचीत करी और उस वीडियो में आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, मैंने उनसे कहा कि इंटरव्यू चाहिए। तो वो आवाज जो थी वो मेरे मोबाइल से थी, लेकिन ये जो सेकंड वीडियो है ये बाकी के जो लोग वहां पे थे उन्होंने इसको कैप्चर किया था। तो वो देखिए जो मैंने अपने मोबाइल से कैप्चर किया था वो क्या बात थी, और उसके बाद क्योंकि फिर मैं पर्सनल बात उनसे करने जा रहा था तो फिर मैंने वो जो वीडियो था अपना जो फोन था वो वहां पे बंद कर दिया था। बस बढ़िया है, तो इंटरव्यू तो दे दो। हैं भैया इंटरव्यू? तो एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या कि ऋषभ पंत मुझे अमेरिका में मिले थे और काफी लॉन्ग गैप के बाद, एक्चुअल में मैं क्रिकेट कवर कर रहा था तो ऋषभ पंत जब मुझे अमेरिका में मिले तो आए, वो तो बात हुई मेरी उनके साथ, उन्होंने बोला भैया कैसे हो आप, काफी दिन के बाद आप दिख रहे हो। मैंने कहा हाँ यार ऋषभ, थोड़ा सा ऑफिस का भी काम रहता है मेरा, सिर्फ रिपोर्टिंग का काम नहीं, मैं एंकरिंग भी करता हूँ। तो बोले कि ठीक है। फिर उसने बोला अभी कहाँ भैया आप आ गए, तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। मैंने गॉगल्स पहने हुए थे, उसने गॉगल्स की भी तारीफ की कि आपके चश्मे अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे भी चश्मे बड़े अच्छे लग रहे हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो फिर हंसते हंसते चले गए। तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट थे और इंडिया के भी कुछ जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि अगले दिन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ऋषभ तो यार बड़े अच्छे तरीके से आया था, आपसे बातचीत करते हुए गया, तो ऋषभ के साथ प्लीज़ हमारी एक फोटो क्लिक करवा दो। मैंने कहा ठीक है भाई। सेकंड डे जब था अमेरिका में, तो फिर 8 तारीख की बात है शायद, वो सारे पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट थे और इंडिया के भी कुछ थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऋषभ के साथ हमारी फोटो खिंचवाएं। तो जब ऋषभ आ रहे थे मैंने फिर ऋषभ को बोला कि ऋषभ, तो ऋषभ आया बोला भैया क्या, मैंने कहा फोटो खिंचवानी यार, सब तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे। तो ऋषभ ने सबके साथ फोटो खिंचाई, इनफैक्ट मैंने भी उस दौरान ऋषभ पंत के साथ दोबारा फोटो ली। एक बार तो मैंने पहले ले ली थी लेकिन उस दिन मैंने फिर ली उनके साथ, फिर वहां से वो ऋषभ पंत चले गए। अब क्या हुआ कि उसके काफी टाइम से मैं उनको मैसेज कर रहा था बट ऋषभ का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसके आगे कोई जवाब हो नहीं रहा था। और क्योंकि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी है, जिससे भी समहाउ कुछ ऐसा भी हो रहा था कि मैं यूट्यूब पे इतना कंटेंट बना रहा हूँ कि खिलाड़ियों के साथ जो बात हो भी रही है वो कहीं पे पहुंच नहीं रही थी। तो अब जब मुझे यहाँ पे मिले तो ऋषभ ने खुद ही कहा, मैंने हेलो हाय हुई मेरी उनके साथ, और फिर वो उस समय तो प्रैक्टिस करने चले गए जब। हेलो ऋषभ, बस बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया, ग्रेट, ऑल द बेस्ट ब्रो, थैंक यू। जिसका वीडियो जो है वो काफी वायरल भी हो रहा है, जिसको लोग देख भी रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स ने भी जाना है, ये है एक्चुअल में बहुत लंबा वीडियो, लेकिन मैंने उन सबको बोला था कि आप काट के इसको डालना, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं मतलब खिलाड़ी को लंबा रन उनको छोड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल वो पोर्शन वो जो काटा गया उसमें एक्चुअली में ऋषभ पंत से यही बात हो रही थी मेरी ऋषभ से। मैंने कहा ऋषभ आप बहुत ज्यादा मुझे फिट नजर आ रहे हो, आपकी फिटनेस जो है इतने सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। तो उन्होंने बोला, उसने बोला कि हाँ भैया मैंने काफी वर्क भी किया है अपनी फिटनेस पे। तो मैंने कहा यार फिटनेस बहुत बढ़िया लग रही है आपकी, और जिस तरीके से आप विकेट कीपिंग आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है एक्सीडेंट के बाद, जितनी तरीके से आप जब आपने वापसी की है, तो ये तो भगवान का चमत्कार ही है कि आप मैदान पे आए हो। और ऐसा बिल्कुल मैंने कहा कोई नहीं कह सकता कि
इस खिलाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इसने इतना जल्दी कमबैक भी किया। तो मैंने कहा यार अभी ना आपको 10 साल तक तो कम से कम अभी और क्रिकेट खेलनी है आपको। तो उसके हिसाब से मैंने कहा प्रिपेयर करना है भाई कि 10 साल तक आपको क्रिकेट खेलनी है। और मैंने कहा हम देखते हैं कि ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर बैट्समैन, जो बहुत एग्रेसिव विकेट कीपर बैट्समैन है, जिसने गाबा में हमारे मैच जिताया, मैंने कहा ये अगर आप लॉन्गर रन 10 साल का सोच के चलना, मैंने कहा करियर में, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि वर्कलोड मैनेज जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, बिकॉज ऋषभ पंत इज ऑल थ्री फॉर्मेट प्लेयर, तीनों फॉर्मेट वो खेलते हैं। तो भाई यही मेरी उनसे बात हुई, फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई देखना, तो उन्होंने मुझे बताया कि करते हैं भाई, श्रीलंका सीरीज जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम जो लोग हैं इस पे बारे में बात करेंगे। अच्छा मैं अमेरिका की आपको एक और बात बता देता हूँ, जब अमेरिका में बात हुई थी तो स्पेशली मैं उसके बाद ऋषभ पंत के साथ बैठने भी गया था, वहाँ पे कुछ बच्चों का प्रोग्राम था, आईसीसी का प्रोग्राम था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने ऋषभ पंत को एक वीडियो दिखाया और वो वीडियो था ESPN क्रिकेट इन्फो की डॉक्यूमेंट्री का। उसमें जो उन्होंने इंटरव्यू लिया है ESPN क्रिकेट इन्फो ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में, वो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है, मेरे इंटरव्यू को उन्होंने उसमें तरजीह दी है और उसमें कर्सी भी दी है रवीश बिष्ट की। तो मैंने वो इंटरव्यू भी दिखाया उनको, ये दिखाया कि ESPN ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें मेरे इंटरव्यू को कंसीडर किया है। तो ऋषभ ने भी देखा, पूरा देखा उसने वो डॉक्यूमेंट्री का। 30 सेकंड मैंने उसको दिखाया, कह रहा हाँ यार इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कह रहा यार वो ऐसी मजाक में बोला, मेरी भी बाइक ले ली थी, बहुत ट्रैवलिंग करी इधर से उधर, मतलब इजी नहीं होता कहीं बाहर जाके खेलना, बट अब तो यही रहता हूँ, सब कुछ यही है, तो अब रन बना मेन होती है। मैंने कहा हाँ तो यहीं से ले ली उन्होंने बाइक। तो वो U19 days जब ऋषभ पंत खेल के आए थे तब का था, और यहाँ पर मुझे जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उन्होंने भी मुझे बोला कि क्या आप ऋषभ पंत के भाई भाई हो क्या आप, जिस तरीके से वो बार बार आपको आता है मिलता है। मैंने कहा भाई समझ लीजिए। तो बोले कि अच्छा वो भी उत्तराखंड से, आप भी उत्तराखंड से, अच्छा उत्तराखंड का कनेक्शन चल रहा है। मैंने कहा एज ए इंडियन भी कनेक्शन है, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके ओके ठीक है, बढ़िया है, कह रहे अच्छा मैंने देखा आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है वो। मैंने कहा हाँ वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं ज़्यादा, मैंने कभी ऐसे फोर्स भी नहीं करे ऋषभ पंत को, बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ टच भी रहे, लेकिन अब जब दोबारा से मुलाकात हुई है तो यही है। तो यही बात थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, यही बात थी कि मैंने उनको यही बोला कि यू हैव टू प्ले फॉर 10 ईयर्स, सो वर्कलोड इज़ वेरी एसेंशियल एंड फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन योर फिटनेस। तो उन्होंने कहा यस यस यस। मैंने कहा इट्स लाइक अ मिरेकल, बिकॉज आप आए हो और आप इतने तैयार होकर आए हो कि नोबडी कैन से कि इस बंदे का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, अगेन ही गेम। तो मैंने कहा हैट्स ऑफ टू यू यार, हैट्स ऑफ टू यू, द वे यू हैव प्रिपेयर्ड एंड द वे यू हैव यू नो वर्क हार्ड ऑन योर फिटनेस, दैट्स अमेजिंग। तो ऋषभ पंत ने यही सब बात हुई, बाकी कुछ और बातें थी वो कभी और बताएंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल स्पोर्ट्स विद रवीश, थैंक यू सो मच।